हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आज की वीडियो में आपको बताऊं कैसे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एक साथ तीन एमसेंट ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में सिर्फ एक ही एमसेंट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो एक नंबर से। अगर आप दूसरे नंबर से साइनअप करते हो तो वहाँ पर शो जाता है दिस डिवाइस इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर नंबर। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप एक साथ तीन एमसेंट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो और तीनों वो भी अलग नंबर से। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आप इस प्रोसेस को समझ सकें। तो इसमें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे, तो आपको एक ऐप क्लोनर प्रो और एमसेंट ब्राउज़र क्लोन का, तो आप जाके वहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर तीन एमसेंट ब्राउज़र को इंस्टॉल कर रखा है। एक ये फर्स्ट आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर, ये दोस्तों ये ओरिजिनल एमसेंट ब्राउज़र है, और ये जो है इसका सेकंड क्लोन है, और ये इसका थर्ड क्लोन है। तो ये जो है, ये दोस्तों ये जो क्लोन है सेकंड वाला, ये हमारा ओल्ड वर्जन का क्लोन है, लेकिन जो ये थर्ड क्लोन है वो जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसका क्लोन है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये तीनों है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप चाहें तो एक तीन भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा बना सकते हैं क्लोन, और आप हर क्लोन में अलग से नंबर्स ऐड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको कुछ भी आता ध्यान रखनी होगी कि आपको क्लोन कैसे बनाना है। मैंने देखा कि बहुत लोग क्लोन तो बना लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम साइन अप ही नहीं कर पा रहे, वहाँ पे ये शो हो रहा है कि दिस नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये इसलिए होता है कि यार आप क्लोन तो बना लेते हो, लेकिन जो मेन काम होता है क्लोन बनाते समय वो आप नहीं करते हो। तो वो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ऐप क्लोनर प्रो इंस्टॉल करना है दोस्तों। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको ये जो प्रो वर्जन है यही आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो नॉर्मल वर्जन है उसमें आप ये कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, सब बना नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है हमारा ये प्रो वर्जन है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्लोन ऐप्स, ये देख सकते हैं आप, मैंने ये क्लोन बनाया था यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले एमसेंट ब्राउज़र को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम एमसेंट ब्राउज़र को ढूंढ लेते हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना, सिंपली दे सकते हैं यहाँ पे आपको कोई सा भी नंबर डाल देना, आप एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, कितना भी। इसके बाद यहाँ पर जाके आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको आप नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो आप जाके यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे 3 कर देता हूँ, एमसेंट ब्राउज़र 3। इसके बाद आप जाके यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ, देख सकते हैं मैंने ये कर दिया यहाँ पर। फ्लिप आइकन भी इस पर आप कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, इससे क्या होगा जो आपका जो आइकन है वो रिवर्स में आ जाएगा। चाहे तो आप रोटेट आइकन कर सकते हैं, देख सकते हैं मैं इसे रोटेट करके ये कर देता हूँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके बाद सिंपली आपको आप चाहे तो रिप्लेस आइकन भी कर सकते हैं, अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद आपको सिंपल सा आना है दोस्तों प्राइवेसी ऑप्शन में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना दोस्तों, सिंपल सा आपको प्राइवेसी ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये चेंज एंड्रॉयड आईडी, और ये जो आपको दिख रहा है हाइड EMI और हाइड वाईफाई मैक एड्रेस, इन तीनों को दोस्तों आपको एक साथ इनेबल करना होगा। इन तीनों को यहाँ पर दोस्तों, तीनों को आपको ऑप्शंस को एक साथ इनेबल करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे देख सकते हैं आप, मैं आपको ऑफर के इनको बता देता हूँ कैसे आपको इनेबल करना है यहाँ पर। जैसे आप इस पर इनेबल करेंगे तो आपको ये आ जाएगा डायलॉग दोस्तों, इसके बाद आपको चेंज एंड्रॉइड आईडी पे क्लिक करना है। ये अनटिक होगा तो इसको आपको इस पर टिक कर देना है कि जनरेट न्यू रैंडम आईडी ड्यूरिंग ईच क्लोनिंग प्रोसेस, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद आना है आपको हाइड IMEI। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप हाइड कर देंगे और चेंज एंड्रॉइड आईडी कर देंगे, तो इससे क्या होगा जब आप उसमें लॉगिन करेंगे, जब साइनअप करेंगे, तो उससे ये होगा कि चूँकि उस क्लोन के अकॉर्डिंग वो दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस शो करेगा वहाँ पर, इससे आप उसमें जो इरर होता है, जो मतलब जो मैचिंग हो जाती है, वो वहाँ पर शो नहीं होगा, कि आपको जो शो होता है जो दिस डिवाइस इज रजिस्टर्ड विद अनदर नंबर, वो वहाँ पर शो नहीं होगा जब हम अगर इसका वो एंड्रॉयड आईडी चेंज कर देंगे। इससे ये होगा कि जो आपका जो एंड्रॉयड आईडी है जो पहले से उसमें जिस पर आपने बना रखा है, वो वहाँ पर अलग हो जाएगा जब क्लोन करेंगे तो। इसके बाद आपको हाइड वाईफाई मैक एड्रेस, इन तीनों को दोस्तों ऑप्शन को इनेबल करना ज़रूरी है। ये तीन में से अगर आपने एक भी नहीं किया तो आपका जो क्लोन होगा वो परफेक्टली बनेगा नहीं, और आप वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप साइनअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये कर दिया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली जाना है अपने, इन तीनों को ओपन करने के बाद आपको
यहाँ पे कट करके यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, तो जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हो दोस्तों 91% यहाँ पर हो चुका है, 2%, तो हम इसको 100% होने तक का वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनिंग ऐप यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनिंग ऐप यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर में ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोसेस पूरा दोस्तों। थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस होने में यहाँ पर पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है इंस्टॉल ऐप का। तो उसके बाद क्या करना है आपको, जाना है यहाँ पे इंस्टॉल ऐप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसेंट ब्राउजर 3 जो इंस्टॉल हो रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई वैसा ऑप्शन नहीं आया कि आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप एक ही टाइप की सेम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू है या फिर उससे रिलेटेड वही एप्लीकेशन हो या उसका क्रोम बनाते हो, तो जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर आता है रिप्लेस ऐप। पर इसमें ये नहीं आया क्योंकि हमने इसकी जो एंड्रॉयड आईडी थी वो हमने चेंज कर दी है, और इसके लिए हमने एक अलग से जो जनरेट की थी एंड्रॉयड आईडी, जब वहाँ पर हमने टिक किया था, इनेबल किया था दोस्तों, और साथ में हमने इसका वाईफाई मैक एड्रेस और एमए नंबर भी चेंज कर दिया था। तो इसके हिसाब से ये जो है अब इसको लगेगा कि ये एक नए डिवाइस में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आप जाके नई आईडी से नए नंबर से इस पर साइन अप कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसे पहले इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका था, यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देते हैं पहले। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप क्लोन बनाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्थ क्लोन तो हमने बनाया था वो यहाँ पे शो हो गया आप देख सकते हैं। इससे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपने एक क्लोन बना लिया, इसके बाद क्या करना है आपको अपने सेटिंग ऐप में जाना है। वहाँ जाने के बाद क्या करना है आपको अपने ऐप्स में जाकर ऐप क्लोनर का जो डाटा है उसे क्लियर कर देना। क्लियर डाटा पर क्लिक करके आप फोर्स तो चाहें तब कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना दोस्तों। उसके अलावा उसके बाद आपको अगर दूसरा क्लोन बनाना है तो आपको जाना दोबारा से ऐप क्लोनर प्रो ऐप में, वहाँ से जाकर आप इसको दोबारा क्लोन करके बना सकते हैं। तो ये है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी अगर आपको क्लोन करना है, तो इसी तरीके से आप क्लोन करें ताकि परफेक्टली ये वर्क करे। इसमें से एक भी स्टेप्स आप मिस ना करें तभी ये परफेक्टली क्लोन ऐप बनेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी अपने अकाउंट्स दिखा देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये वाला तो मैंने इसे भी अपडेट कर लिया है दोस्तों, ये क्लोन जो था हमारा ऐप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,443 कॉइन्स से, मतलब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 35 रुपये हैं इस अकाउंट में। इसके बाद मैं आपको सेकंड अकाउंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,846 कॉइन्स है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब मेरे पास 17 रुपये के आसपास है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो थर्ड है दोस्तों, ये मैंने इस पर भी साइन अप नहीं किया है क्योंकि मेरे पास इतने नंबर थे नहीं, इसलिए मैंने इस पर साइन अप नहीं किया। आपको दिखाने के लिए मैं फोर्थ वाले पे ही साइन अप करूँगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा हुआ है अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैंने अभी साइन अप नहीं किया है। तो जो फोर्थ जो हमने अभी बनाया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था दोस्तों, ये जो फोर्थ है हमारा, तो इस पर हम जाते हैं, अभी हम बनाते हैं इस पर लॉग, साइन अप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर मोबाइल नंबर टू कंटिन्यू। तो उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिस पर आपको अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया दोस्तों। इसके बाद आपको सिंपली से वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो अब मैं आपको कैमरे पे ले जाता हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप
देख सकते हैं यहाँ पर जो मैसेज आया हुआ है हमारा जो है, योर एंसेंट कन्फर्मेशन कोड इज 6916। ये दूसरे फ़ोन में दोस्तों ये जो नंबर है हमारा, तो हम इस कोड को यहाँ पे डाल लेते हैं 6916। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा लॉगिन हो चुका होगा। यहाँ पर साइन अप देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हो चुका है दोस्तों, कलेक्ट 100 पॉइंट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आप कुछ शो रहा होगा कि आपको 100 पॉइंट्स मिला है गिफ्ट में दोस्तों, एज ए गिफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अकाउंट था हमने यहाँ पे बना लिया है दोस्तों, बिना कोई दिक्कत के। नंबर आप देख सकते हैं, यही नंबर जो मैंने भी डाला था, तो ये कोई फेक वीडियो नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों, इसे एक साथ आप 3 से 4 क्लोन को, एमसेट के क्लोन को बना सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में और यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो चुका है हमारा पूरा, ये वर्क करेगा दोस्तों। आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे हर क्लोन में अलग अलग नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्लोन में आपको ये नंबर शो हो रहा होगा, तो मैं आपको दूसरे क्लोन में दिखा देता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि यार ये फेक वीडियो है ऐसे वैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नंबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वोडाफोन का दूसरा नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शो हो रहा होगा आपको। और जो तीसरा जो अकाउंट है दोस्तों, इसमें भी मेरे दूसरे नंबर से यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दूसरा नंबर यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको हर नंबर से आप अलग अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यही प्रोसेस है जो मैंने यूज़ किया। मैं आप देख सकते हैं, मैंने 4 एमसीएन के क्लोन यहाँ पे बना रखे हैं। मैं चारों में अलग अलग नंबर से साइन अप कर सकता हूँ, कर भी लिया मैंने। देख सकते, देखा होगा आपने, मैंने तीनों का अकाउंट बनाया, बस एक फोर्थ वाला जो है मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं था इसलिए। तो यहाँ पर आप जाके ऐसा कर सकते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ करके आप एक साथ जितने चाहें आप उतने क्लोन बना सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आपने किसी एमसेट ब्राउज़र में कोई नंबर ऐड कर रखा हो, आप सोच रहे हो कि उस नंबर से आप किसी और पर मतलब अकाउंट बनाने के लिए, तो वो नंबर नहीं बनेगा उस पर, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर शो होगा कि दिस नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अनदर डिवाइस। इसका मतलब जिस पे आपने उसे ऐड कर रखा हो, वो नंबर वहीं पे चालू होगा। और अगर आपने दोनों नंबर से आप उस अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं अपना, लेकिन आप किसी उस नंबर से किसी और पर नया अकाउंट नहीं बना सकते दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें आप जाके इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इस ट्रिक को, और बहुत सारे कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं और अनलिमिटेड रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक सर्फिंग ट्रिक के बारे में, जिससे आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपली अजीत छोड़ देना, जिससे आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। आपको ऑन करके रखना है, तो आप चाहते हैं तो आप कमेंट में ये बोल सकते हैं कि आप बनाने के लिए वीडियो। तो ये दोस्तों यहाँ पर, तो जो ये जो देख सकते हैं, मैंने ऐप क्लोनो प्रो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में मैं दोस्तों यहाँ पर जो एमसन ब्राउज़र है, इसका लिंक भी दे दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। जो क्लोन है मेरा, इन दोनों का लिंक मैं दे दूंगा वहाँ पर, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप चाहें तो ऐप क्लोनो प्रो को यूज़ करके भी आप क्लोन ऐप बना सकते हैं दोस्तों। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज़।